नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजोनेटरी में स्वागत करता हूँ। आज एक वैकेंसी का वीडियो लेके आया हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI, उसमें टोटल 841 वैकेंसी है ऑफिस अटेंडेंट के लिए। तो ये ऑफिस अटेंडेंट के लिए मतलब एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इस सारे सवालों के जवाब में इसको आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। जैसे आप देख रहे हो कि अगर आपको इसका एडवर्टाइजिंग देखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे RBI के साइट पे जाके वहाँ पे पूरा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हो। अप्लाई करने का टाइमिंग क्या है, आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे 24 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर वहाँ पे पेमेंट भी 15 मार्च तक आपको करना है और एग्जाम का टेंटेटिव डेट क्या है, 9 और 10 अप्रैल। फिर उसके बाद अलग अलग रीजन में वैकेंसीज है। पहले आपको पता है कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, फिर उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हो अलग अलग रीजन में, जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, अलग अलग जगह पे वैकेंसीज है। तो अपना हमारा जो मुंबई है महाराष्ट्र में, उसके 202 वैकेंसीज है। ये डॉलर का साइन है, यहाँ पे एट का साइन है। तो उसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो एट मतलब भोपाल में 17 वैकेंसीज है और रायपुर में 8 वैकेंसी। और उन्होंने कहा है कि बैंक को राइट है उसका जो वैकेंसीज है इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। बाकी उन्होंने यहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वगैरह बताया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर वापस से जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, लोगों को जो डिसेबिलिटी है उसके लिए यहाँ पे उन्होंने LV मतलब लो विजन वगैरह बताया है। तो जल्दी जल्दी EX सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, उनके डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे दिए हैं नीचे। बाद में फिर ब्लाइंड लो विजन वालों के लिए उनका क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारा उन्होंने यहाँ पे टेबल भी दिया है। अभी मेन बात क्या देखनी है कि एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है, मतलब वो देख लेते हैं। गाइडलाइंस फॉर PW BD कैंडिडेट, मिनिमम 40% का उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी आप देख सकते हो ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए। एज कितना चाहिए, 18 से लेके 25 तक चाहिए। कब चाहिए, 1/2/2021 तक, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी दिया है 2/2/1996 से लेके 1/1/2000, इसके बीच में आपको क्या बॉर्न होनी चाहिए। फिर एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 ईयर्स का है आपकी 30, उसके बाद अदर OBC के लिए 3 साल का है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 ईयर्स का है, OBC के लिए 13 ईयर्स है, सारा उन्होंने यहाँ पे दिया है। बाकी जो विडोज है या डाइवोर्स है उनके लिए 10 साल का दिया है यहाँ पे। कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कुछ अलग उनका ये है कास्ट क्राइटेरिया, वो आप देख सकते हो यहाँ पे मेन। अभी उसके बाद आप एग्जाम के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड मतलब SSC उसका फ्रॉम कंसर्न स्टेट, ठीक है। इन एडिशन टू अबोव द कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ दैट स्टेट, मतलब अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मेरा 10th महाराष्ट्र से हुआ है और मैं उसका महाराष्ट्र का रहवासी हूँ। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/2/2021। ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपका 1/2/2021 तक आपका ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, अगर है आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपका पहला टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन टेस्ट, उसमें रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है, अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 30-30 क्वेश्चन है आपके और उसमें 30-30 मार्क्स है और 90 मिनट्स का आपका क्या है वहाँ पे टाइम है। लेकिन हर एक भी आप बोलोगे कि मैं रीजनिंग में अच्छे मार्क लेता हूँ, जनरल इंग्लिश में कुछ नहीं लूंगा, नहीं, आपको इसका हर एक का पर इंडिविजुअल कट ऑफ है वो निकालना है आपको। फिर उसके बाद हर एक गलत जवाब के लिए 1/4 मार्क आपके मिनिमम कट हो जाएंगे, आपको मिनिमम मार्क्स हर एक इसमें लाना है। फिर जो स्टूडेंट से ऑनलाइन टेस्ट पास होंगे उनकी क्या होंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपकी मराठी की टेस्ट होगी, फिर उसके बाद आपका बाकी का प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। बाकी का इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपका अगर कुछ स्टूडेंट्स है जो SC ST OBC PW कैंडिडेट्स है को अगर प्रिपरेशन करना है तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए प्री टेस्ट ट्रेनिंग के कुछ
सेंटर्स दिए, वहाँ पे आप जाके आपका पहला जो ट्रेनिंग है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपने 60 नंबर पे अगर आते हो तो आपको दिखता है कि आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पे स्केल क्या है वो दिया है उन्होंने यहाँ पे, कि आप कौन से पे बैंड में जाते हो, आपका हाउस रेंट अलाउंस कितना है, उसके बाद यहाँ पे प्री क्विस्टिंग है, आपका मेडिकल रिक्रूटमेंट है, आपको स्पेक्स जो अगर आपको चश्मा है तो उसका भी आपको मिलता है, बुक ग्रांट है, पेपर बिल, बहुत सारी फैसिलिटीज उन्होंने दिए है। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, आप जाके RBI के साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, एक ही बार अप्लाई करना है और आपको उसका प्रिंट आउट लेके उसको भेजना नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है। और फीस का क्या है, फीस उन्होंने SC ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपये फीस है, OBC EWS और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 450 फीस है। बाकी उन्होंने यहाँ पे जनरल रूल्स वगैरह दिए, वो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे जाके। तो ऐसे ये टोटल वीडियो था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।